हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ही कम समय में, कुछ ही मिनट्स में हम करेंगे एक और लेसन का पोस्टमार्टम। आइए शुरू करते हैं। लेसन है, शुड विजार्ड हिट मॉमी? क्या जादूगर को मॉमी को हिट करना चाहिए? राइटर हैं जॉन अपडाइक। आइए शुरू करते हैं। जैक द फादर वुड टेल जो His daughter a story every evening। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक 4 साल की बच्ची जो, जिसके पिता हैं जैक और मदर है क्लेयर। तो जैक हर शाम को अपनी बेटी को एक कहानी सुनाता है जिसका सेंट्रल कैरेक्टर है रोजर। ये बदलता रहता है अलग अलग जानवर के नाम के हिसाब से। वंस इट वॉज अबाउट रोजर स्कंक। एक बार ये कहानी सुनाई जाती है, रोजर स्कंक एक जीव होता है अमेरिका में पाया जाने वाला, उसके नाम पर। He did not like his smell। उसे अपनी गंध या बदबू पसंद नहीं है। For other animals did not like to play with him। क्योंकि बाकी दूसरे जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। Called stinky skunk। उसे बदबूदार skunk कह के पुकारते हैं, तो उसे बुरा लगता है, किसी को भी लगेगा। A big wise owl lived in the tip top of a tree। एक ऊंचे पेड़ में चोटी पर रहता है बड़ा ही बुद्धिमान और पुराना आउल या उल्लू। रोजर टोल्ड हिम हिज स्टोरी। रोजर उसे अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाता है। ही एडवाइज हिम टू गो टू द विजार्ड। और वो सलाह देता है कि तुम किसी जादूगर के पास जाओ। द विजार्ड टर्न्ड हिज स्मेल इनटू रोजेस। जादूगर उसके सर पे छड़ी मारता है और उसे गुलाबों जैसी खुशबू दे देता है। ऑल अदर एनिमल्स गैदर्ड हिम। सारे बाकी जानवर लोग उसे घेर लेते हैं, उसके साथ बड़े खुशी से खेलते हैं। बट हिज मदर डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। लेकिन माँ को ये विचार पसंद नहीं आया जब शाम को माँ के पास स्कंक पहुंचा। शी टुक हिम टू द विजार्ड। वो अगले दिन उसे फिर जादूगर के पास ले गई एंड हिट ओवर हिज हॉर्स के सर पर मारा अपने अम्ब्रेला से। द विजार्ड टर्न्ड रोजर्स स्मेल अगेन टू द अर्लियर वन। जादूगर ने उसकी महक को पहले जैसा कर दिया, यानी कि वो फिर से एक बदबूदार स्कंक बन गया। बट जो डिड नॉट लाइक इट। लेकिन जो बच्ची जो ये कहानी सुन रही है वो ये कहानी उसे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। शी आस्क्ड हर फादर टू टेल हर दिस स्टोरी। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अब ये कहानी सुनाना विद अ डिफरेंट एंड, भिन्न अंत के साथ। ऐसा कंक्लूजन मुझे पसंद नहीं है कहानी। इन विच जिसमें द विजार्ड हिट्स द मदर। जिसमें विजार्ड मम्मी को हिट करेगा कि आखिर उन्होंने इतना गंदा डिसीजन क्यों लिया। दस इस प्रकार द स्टोरी प्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजी। इस प्रकार ये कहानी तो भिन्न प्रकार की विचारधारा को लेकर है। एक है कि क्या बच्चों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है? बिल्कुल है। लेकिन क्या वो इतने समझदार हैं? पेरेंट्स की ओपिनियन है कि शायद वो अभी छोटे हैं और एज पेरेंट्स या एज ए मदर और एज ए फादर वो शायद उनके भविष्य के बारे में बेहतर समझ सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये बात कैसी लगी? अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। नमस्कार।